कोट वाली लम्बुआ जनपद सुल्तानपुर में ईद के त्योहार के मद्देनजर कोई पीस कमेटी की बैठक, जिसमें मुख्य रूप से मस्जिदों के आसपास साफ सफाई, सड़कों पर लगने वाले इंजाम को लेकर तथा अन्य कई विषयों पर उप जिलाधिकारी लम्बुआ की अध्यक्षता में कोई फरियाद वार्ता। उप जिलाधिकारी ने बताया कि कोई भी धर्म आपस में भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की शिक्षा देता है। जोहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था स्वस्थ दुरुस्त रखने का लम्बुआ कोतवाल नर्वदेश्वर तिवारी ने दिया आश्वासन, जिसमें मौके पर व्यापारी नेता विजय प्रताप सिंह, भाजपा नेता डॉक्टर के पी सिंह, अनिल बरनवाल, राय मोहम्मद आरिफ साहित्य सैकड़ों की संख्या में लोग रहे मौजूद। हर त्यौहार पर चाहे हिंदू त्यौहार रहा चाहे मुसलमान त्यौहार रहा, बहुत अच्छे ढंग से लोग आते हैं। क्योंकि आज के समय पे सबसे ज़्यादा जो वैमनस्यता फैलाने काम कर रहा है वो है सोशल मीडिया। आने वाले ईद के त्यौहार को लेकर के यहाँ पीस कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें सभी लोग, इस थाना क्षेत्र के सभी लोग आए। मैं मस्जिदों के मौलवी भी आए और दोनों में हिंदू मुस्लिम सभी पक्षों ने आकर के यहाँ पे बैठक किया। कोई भी समस्या इस प्रकार की नहीं है, हमेशा यहाँ त्यौहार शांतिपूर्वक मनाए गए हैं और सभी लोगों ने पूरा विश्वास दिलाया कि जैसे हम हमेशा सभी त्यौहार मनाते आए हैं वैसे ही हम इस बार भी त्यौहार मनाएंगे। उस साफ सफाई को लेकर सर यहाँ पे साफ सफाई को लेकर के मेरा स्पष्ट वो है, सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मियों के माध्यम से हमारे जो भी ग्राम प्रधान और ब्लॉक के लोग हैं, सफाई कर्मियों के माध्यम से जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं, ईदगाह है, वहाँ पर साफ सफाई और चूने के छिड़काव करेंगे। और लम्बुआ नगर पंचायत में जहाँ 3 जगह ईद मनाई जाती है, यहाँ पर भी नगर पंचायत की तरफ से साफ सफाई होगी और चूने का छिड़काव किया जाएगा। सर क्या संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए? मेरा यही संदेश है कि सभी लोग त्योहारों को पूरी सामाजिक समरसता के साथ बहुत अच्छे से मनाएं। त्यौहार हमेशा हमें खुशियां प्रदान करते हैं, इसलिए सभी लोग खुशी के साथ अपने अपने त्यौहार मनाएं। थैंक यू।